बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अपने अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज जो रेसिपी हमारे किचन में बनने जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त सी, बहुत सबकी फेवरेट, स्पेशली पंजाब में भी बहुत शौक से खाई जाती, लाहौर की बड़ी फेमस डिश है ये। जी हाँ, हम बना रहे हैं, आज हमारी किचन में बनने जा रही है चने भटूरे। जी हाँ, चने भटूरे बनने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ ही मैं आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती जाऊँगी और साथ साथ ही हम इसको बनाते चले जाएँगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं, 2 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने सूजी, जो सूजी है ये डाल दी है। सूजी से जो है बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है और इसमें जो फूलता है, तो अगर फूलता है तो उसके बाद वो बैठता नहीं है, एक अच्छा सा क्रिस्पी सा टच भी इसमें आ जाता है। ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे अब इसमें, 1/2 टीस्पून कर लें आप, सॉल्ट चला गया इसमें। बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जाएगा इसमें, और 1/4 टीस्पून कर लें, और जो बेकिंग पाउडर है ये 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। ठीक है, ये कर लें आप, ये भी हो गया। इसके अलावा इसमें योगर्ट 2 टेबलस्पून के करीब, इसमें दही जाएगा हमारा, इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। आइसिंग शुगर जाएगी इसमें, पहले हम वो डाल लेते हैं, 2 टीस्पून इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। मेरा स्पून छोटा है, चले 2 टीस्पून ये चलेगी। अब इसको ड्राई ड्राई को हम मिक्स करेंगे, उसके बाद अपना दही जो इसमें शामिल करेंगे। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट, फटा हुआ दही 1/2, चले अभी सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं, इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद नॉर्मल डो की तरह, नॉर्मल आटे की तरह इसको अच्छी तरह से गून लेंगे। जी व्यूअर्स, आटा मेरा गून लिया है मैंने अच्छी तरह से, अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, ऑयल लगा के इसको रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे और इसमें कोई भी जो है वो पपड़ी वगैरह ऊपर से सख्त जो है चीज़ ना आए, इसलिए उसको अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे चारों तरफ से नीचे भी, और इसको रख देंगे। तकरीबन इसको आपने कम से कम भी 2 घंटे रखना है। ठीक है, 2 से 3 घंटे हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे आपने इसको रखना है, उसके बाद फिर हम अपनी जो है भटूरे बनाएंगे, जब तक हम अपना चने का सालन तैयार कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और हम ऑयल शामिल कर लेंगे इसमें। तकरीबन आप इसमें, अब आपके चनों के ऊपर है क्वान्टिटी कितनी है, मैं अब थोड़े से बनाऊंगी तो 3/4 कप तकरीबन 1/2 kg के करीब होंगे मेरे पास चने, तो मैं 3/4 कप मेरे काफ़ी होगा चनों के लिए। ठीक है, वो मैंने शामिल कर दिया, अभी गर्म होगा, जैसे ही गर्म होगा तो इसमें क्या क्या डालना है, कब कब डालना है, मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी। जी व्यूअर्स, अब इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करूँगी। ठीक है, तकरीबन 2 नॉर्मल साइज के प्याज थे, इसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया था और इसे डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं होता है, जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का, बाकी चीज़ें हम इसमें फिर शामिल करेंगे। फ्राई करते हैं इसके ब्राउन होने तक, गोल्डन होने तक। जी व्यूअर्स, प्याज को देखें फ्राई करते हुए 2 मिनट 2 से 3 मिनट छीन रहे हैं, तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके मसाला अदरक 1 टेबल स्पून हमारा मसाला अदरक शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। अब टमाटर प्योरी, 2 टमाटर लेके मैंने इसको, प्याज भी 2 नॉर्मल साइज़ के थे, टमाटर भी मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के लेके इसको थोड़ा पानी के साथ ग्राइंड कर दिया था, इसको इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए हम इसके साथ फ्राई करेंगे, भुनेंगे और फिर अपने ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। जी मैं अब इसमें ड्राई स्पाइसेस, नमक, हसबे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कूटा हुआ जीरा और धनिया 1 टीस्पून वो और 1 टीस्पून वो। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसके अलावा हम मिक्स करेंगे।
अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी डाल दे, कलर की भी मेरे पास ख़त्म हो गई है अभी। अच्छा, ये गरम मसाला पाउडर है जो मैंने थोड़ा सा फ्राई करके तवे के ऊपर भून के और उसको फिर इसको ग्राइंड कर लिया था। इसमें क्या था, छोटी इलायची थी 3-4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, एक दालचीनी स्टिक थी, एक तेज़पात पत्ता था, 3-4 अदद लौंगे थी और तकरीबन 7-8 अदद जो है काली मिर्च थी, ठीक है, साबुत काली मिर्च थी। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा तवे पे फ्राई करके और मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया। अब ये भी इस पर चला जाएगा, सारा हम इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 1-2 मिनट के लिए मज़ीद हम अपने इस मसाले को भूनेंगे, फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे, ठीक है, 1/2 kg के करीब मेरे चने हैं, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसको 2-3 मिनट इस मसाले के साथ हम भूनेंगे अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, देखें चनों को मैंने 2-3 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे मसाले के साथ भून लिया है, ठीक है। 80% मेरे चने जो कुक हुए हैं, अब बाकी मसाले में पकेंगे। इसमें तकरीबन हम डालेंगे 1 कप पानी डालेंगे, ठीक है, और अब इसको हम रख देंगे गलने के लिए। मज़ीद जो इसमें कसर रहेगी तकरीबन हम 20 से 25 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे, ठीक है, इस मसाले के साथ। इसको ढक के रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसको 20 से 25 मिनट और पकाएंगे, फिर हम देखेंगे 100% हमारे चने जो बिल्कुल सॉफ्ट से गले होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं चने मेरे अच्छी तरह से देखें मैश होना भी शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है ये अब पोजीशन में आ गए हैं कि बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इस स्टेज में थोड़ा समय 2-3 टेबलस्पून योगर्ट इसमें शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। इसको अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसको अब 1-2 मिनट के लिए दही के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। जी व्यूअर्स, दही डालती हूँ मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब आप देखें इतनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ गई है। अब इसमें एंड में मैं क्या शामिल करूँगी, गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है, पिसा हुआ कुटा हुआ मैं डाल चुकी हूँ, वो भुना हुआ था, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे अब इसमें, चलिए, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, ये बिल्कुल आपने आखिर में डालना है, ठीक है। और इसके बाद हम 5 मिनट इसको दम लगाएंगे अपने चनों को और ये मेरे ज़बरदस्त से चने रेडी हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने भटूरों की तरफ, ठीक है। जी व्यूअर्स, अब ये देखिए मैंने इसको दोबारा से डो को अच्छी तरह से काउंटर पे डाल के इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा और गूंद लिया है। ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी है। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े इक्वल साइज के करके हम जो है ना वो हम रखते जाएंगे। इस तरह करके इक्वल साइज के पेड़े बना के रख लेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो है मैंने सारे छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लिए। अब काउंटर पर हम थोड़ा सा ऑयल जो है इसको स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑयल में ही इसको जो है पकाना है, ठीक है ना, ऑयल से पकाना कह रही हूँ, बेलना है। इस पर बिल्कुल भी आपने खुश्के का किसी ड्राई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, खुश्का है या आटा है या मैदा है, ठीक है। अब इन पेड़ों पे हमने अच्छी तरह से इस तरह ऑयल लगा के एक साइड पर, ठीक है, रखते जाना, क्योंकि ऑयल में ही बेले जाएंगे, ऑयल में ही पकेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आपने ना तो मैदा लगाना और ना ही आटा लगाना, इस तरह कर करके पेड़ गीले करके साइड पे रखते जाएंगे और फिर एक लेके इसको बेलना शुरू कर देंगे हम। जी व्यूअर्स, अब इसको बेलेंगे हम, बेलना शुरू कर देंगे। आपको जितना छोटे छोटे होते हैं ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ठीक है, अगर आपको बड़े बनाने हैं साइज़ के तो बड़े भी बना सकते हैं, आपके ऊपर जिस तरह आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं छोटे छोटे ही बेलूंगी और छोटे छोटे ही बनाऊंगी क्योंकि वही अच्छे लगते हैं। बड़े आराम से ख्याल से इसको, अगर ऑयल की ज़रूरत हो साथ साथ ऑयल लगाते जाएंगे और साथ साथ ही इसको बेलते जाएंगे हम। जी व्यूअर्स, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। अब चेक करते हैं कितना गर्म है, क्योंकि इसके लिए भटूरों के लिए ऑयल जो वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही मैं अपने भटूरे अंदर डाले वो फौरन से ऊपर आ जाए। ये देखिए मैंने इसमें एक वो डाल के देखा है तो ये अभी भी थोड़ी सी कसर है, आ तो गया ऊपर लेकिन फौरन से नहीं आया। थोड़ा सा और गर्म करती हूँ और फिर मैं अपने जो इसमें भटूरे डालना शुरू कर दूंगी, क्योंकि जिसकी वजह से वो फौरन से ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब आराम से उठा के मैं अपने भटूरे को अंदर डालूंगी और आप देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त सा ऑयल गर्म है। अब इसको घुमाएंगे, प्रेस करते जाएंगे साथ साथ ही और एकदम से टर्न कर देंगे। ऑयल मेरा बहुत अच्छा गर्म है, इसको भी घुमाएंगे, ये देखेंगे, देखिए आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा मेरा ये भटूरा फूल गया है। इसी तरह जैसे ऑयल गर्म होगा अच्छी तरह तो उतना ही ज़बरदस्त, ये देखिए
कुक हो गया और कितना पूरा फूल गया है। ठीक है, बेलते वक्त ख्याल कीजिएगा इसमें कोई सुराख नहीं होना चाहिए, कोई सुराख या कोई कट होगा तो ये फिर इस तरह फूलेंगे नहीं। जी व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे ज़बरदस्त छोले भटूरे, चने भटूरे कह लें, बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपकी दुआओं की, प्यार की, मोहब्बत की, सपोर्ट की हमेशा से मुझे ज़रूरत थी और आगे भी हमेशा रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।